चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर मतदान जारी है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर सेक्टर 7 के सरकारी स्कूल में मतदान के लिए पहुंची, जहां पर वार्ड नंबर 2 से भाजपा उम्मीदवार महेश इंदर सिद्धू भी उनके साथ थे। वहीं मतदान करने के बाद सांसद किरण खेर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सांसद किरण खेर ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में चंडीगढ़ में बहुत कार्य करवाए हैं, जिसके कारण जनता इस बार भी भाजपा को वोट देगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो डंपिंग ग्राउंड का मसला है, ये कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल की देन है। जब वे शहर की सांसद नहीं थी तब भी ये मसला था और उस टाइम के एमपी पवन कुमार बंसल ये मुद्दा सुलझाने में नाकामयाब रहे थे। उन्होंने कोई भी कार्य नहीं करवाया और आज वे मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। डंपिंग ग्राउंड को लेकर वे पिछले 2 सालों से लगातार काम करवा रही हैं। वहां पर जो भी कार्य हो रहे हैं वे उनके द्वारा ही करवाए जा रहे हैं। अगर कांग्रेस ने काम करवाया होता तो आज वहाँ पर कूड़े का पहाड़ नहीं होता। राजेश कालिया डड्डू माजरा में दूसरे लोगों के साथ 2013 में बैठा हुआ है धरने पे, फास्ट पे है, और उसका फास्ट तोड़ाने के लिए मुझे बोला गया था टंडन जी ने कि वहां चलिए। कल इन्होंने बयान दिया है बंसल साहब ने कि जब तक हम थे तब तक डड्डू माजरा का प्लांट बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो फिर इनको क्या जरूरत पड़ी थी उस प्लांट के खिलाफ वहां पर फास्ट करके बैठने की। तंग आए पड़े थे लोग, त्राही त्राही होती थी वहां, इतनी मक्खियां थी, इतने बच्चे और लोग बीमार पड़ रहे थे, बदबू आती थी। ये हमारे टाइम पे हम जब आए हैं हमने इतनी मुसीबत झेली, इनकी डंपिंग ग्राउंड इन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें कोई एग्जिट क्लॉज ही नहीं था, कोर्ट में जाओ भी तो आप उनको कंपनी को निकाल नहीं सकते। क्या सोच के लाए थे बंसल साहब इसको? इधर उधर की बातों में लोगों को घुमा देते हैं। इनके आने से 7 साल से कोई काम नहीं हुए, जितने काम हमारे कार्यकाल में हुई हैं कभी नहीं हुए, आप बैठ के गिन लीजिए। केड़ा एक नंबर ते सी इन्हां दे वेले भी मारी जांदे आ, पूरे 38 सेक्टर तक बदबू पौ फैलाई हुई सी इन्हां ने। असी लेगसी माइनिंग लैके आए हैं, हुण एडा ढेर बढ़िया उहनूं टाइम तां लगूगा कढ़न नूं, 1-1.5 साल। ओहदा मुद्दा बना जिहड़ा आप गंद पाया ओहदा मुद्दा बना के बैठे आ, चलाकी देखो अगले दी। हां कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने टैक्स इंपोज करने अलावा और कुछ कीता ही कुछ नहीं। आहो इन्होंने तो बहुत कुछ कीता सी, इन्होंने कितना कुछ कमाल कीता सी पूरे पंजाब विच, पूरे चंडीगढ़ विच, वो सारियां नूं पता। एक गिना दे इन्होंने काम केड़े कीते है, केड़े काम कीते शहर लिए। 2018 में ही चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे था, 2021 में 66 नंबर पे आ गया। हाँ कुछ रीजंस होंगे उसके, देयर आर सम रीजंस व्हिच विल बी एड्रेस्ड, ऐसी बात नहीं। 2019 में जब प्लांट लगा मैम डड्डू माजरा का, महेश इंद्र सिंधु कब 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 लेगेसी लेगेसी में, तो उस टाइम आप सबने कहा कि 1.5 साल में वहाँ पे वो जी बीच में कोरोना का 1 साल आ गया ना, काम ही नहीं, काम रुक गया सारे। कभी प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने आई एम द चेयरपर्सन फॉर द एडवाइजरी कमिटी ऑफ दिस ऑफ द, सुन लीजिए, आई एस आई एम द चेयरपर्सन ऑफ द स्मार्ट सिटी एडवाइजरी कमिटी। जो भी होता है हमारे शहर का मेयर वो हमारे साथ बैठता है। जो डड्डू माजरा में आज 20 फुट ऊंची दीवार लगी वो मैंने ही लगवाई है, इससे पहले नहीं थी, नहीं थी ना। लेगेसी माइनिंग भी मेरे समय पे ही आई है, नहीं थी ना, ऐसे ही था ना सारा गंद, तो क्या नहीं करा बताइए। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तू भी बीए दे इम्तिहान देना था, तेन 3 साल का लग गया। बता दें कि नगर निगम चुनाव के लिए आज चंडीगढ़ में मतदान हो रहा है और शहर की सांसद किरण खेर पिछले कल ही चंडीगढ़ पहुंची हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके शहर में ना होने का मुद्दा भी विपक्ष ने जमकर उठाया था। पंजाब के सिटी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।